हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णकांत राठौर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज आपका क्लो टेस्ट का पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम अगले आज से एक ही वीडियो के अंतर्गत दो या दो से अधिक क्लो टेस्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, और जितने भी क्लो टेस्ट मैं डाल रहा हूँ वह पूरे के पूरे पेपर में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका अपना एक लेवल है, एक स्तर के डाल रहा हूँ शुरुआत में, जिससे शुरुआत ही आपके जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाए। प्रारंभ करते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले है आपका मेंस, मनुष्य का आधारभूत एग्रेसिवनेस यानी होता है आक्रामकता। मनुष्य की आधारभूत आक्रामकता इज अ फैक्ट, एक तथ्य है, एंड इज द इमोशनल फैक्टर, और एक भावात्मक तत्व है फॉर द ब्लडी वायलेंस, खूनी हिंसा के लिए। दैट हैज मार्क्ड, जिसने चिन्हित कर दिया है ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास को, सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से। हिज टेक्नोलॉजी, उसकी तकनीक, हैज नेवर बीन, नहीं हुई कभी भी एज परफेक्टली, इतनी पूर्ण रूप से, एज जितनी इन द वेपन्स, हथियारों में। ही मेक्स टू, वह चाहता है, करता है, ब्रदर बाही के लिए। द प्लाउ, हल है, चेंज्ड, बदलाव आया है, वेरी बहुत, इन डिजाइन में। फ्रॉम द टाइम, उस समय से, मैन टुक, मनुष्य ने की, कल्टीवेशन, पैदावार। बट लेकिन, स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम, लेकिन तलवार नहीं बनी हुई है, एंड द राइफल, और राइफल विद विच, जिसकी सहायता से वन मैन, कोई व्यक्ति, किल्स, मारता है एनदर, दूसरे को। इजा है, इन कंपेरिजन विच, की तुलना में, द स्टोन, पत्थर, एंड और, विद विच, जिसकी सहायता से, ही यूज्ड टू, वह उपयोग करता था, हिज एडवर्सरीज, विपत्तियों के समय, इन द अर्लीस्ट स्टेज, प्रारंभिक चरणों में, ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के। न्यूक्लियर फ्रिन द ब्लेंस है, डिजाइन है, दैट नेचर, जो कि प्रकृति, कैन नेवर, कभी भी नहीं, दे आर वंडर्स, वे चमत्कार हैं, और टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन, तकनीकी क्रिएशन यानी होता है सृजन के। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, एक बार हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमें पता चला कि यह पैसेज थोड़ा कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेट करता है, जिसको प्रेजेंट से जोड़कर बताया गया है, पास्ट में क्या होता था और आज क्या। जैसे लिखा हुआ है, मेंस बेसिक एग्रेसिवनेस, मनुष्य की आधारभूत आक्रामकता, इज अ फैक्ट, एक तथ्य है, सही बात है, मनुष्य एक आक्रामक प्राणी है, क्रोधी प्राणी है। एंड इज द इमोशनल फैक्टर, और एक भावात्मक तत्व है, फॉर द ब्लडी वायलेंस, और खूनी हिंसा के लिए। मानव ने शुरुआत से ही पूरी की पूरी हिस्ट्री खूनी हिंसा में है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ फॉरेन, विदेशों से आक्रमण हुए, यूनानियों ने आक्रमण किए हमारे भारत पर, और इसके अलावा कई प्रकार के, आपने सुना होगा कि पितृहंसा वंश भी चलता है आपका, तो इन सब में आपने देखा कि किस प्रकार पूरा की पूरा इतिहास ब्लडी वायलेंस से भरा हुआ है। वही लिखा हुआ है, जिसने की पूरा चिन्हित कर दिया है मानवीय इतिहास को, शुरुआत से। सिंस का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को बताया गया है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी, तकनीक कभी भी लागू नहीं हुई, इन द वेपन, इतनी लागू नहीं हुई जितनी हथियारों में लागू हुई है। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, लागू करने के लिए वो कौन सा वर्ड आएगा, ऑपरेट यानी लागू करना, चालू करना, प्रारंभ करना, ये ऑपरेट वर्ड आता है। कंप्यूटर के लिए आपने सुना होगा, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं हम, मोबाइल ऑपरेट करते हैं हम, तो ऑपरेट का मतलब ऑपरेशन करना भी होता है, ऑपरेट यानी अभियान चलाना भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा। जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट होती है, लागू की जाती है। एम्प्लॉय, नौकरी देना, रोजगार देना, किसी को काम पर लगाना, ये एम्प्लॉय का अर्थ होता है। और डेप्लॉय का मतलब होता है सेना तैनात करना, कहीं पर जवान तैनात करते हैं तो उसके लिए डेप्लॉय वर्ड आता है। ये तीनों की तीनों वर्ड मनगढ़ंत है, अपने मन से बनाए हुए उन्होंने, यहाँ पर फिट नहीं बैठेंगे। क्लोज टेस्ट में तात्पर्य ही ये होता है कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सूटेबल है, वो किस लैंग्वेज को सबसे पहले प्रीफर करता है, तो कौन सा आएगा इम्प्लीमेंट। ही मेक्स टू, वह चाहता है, वह करता है, ब्रदर भाई का क्या करता है भैया, सूट करता है,
इंजर घायल करता है, इसको बुंड पढ़ते हैं, बुंड WOUND बाउंड का साउंड है आपका। किल, किल यानी मारना। तो आपने यहां पर देखा कि एक जगह किल वर्ड आया, तो देखो कोई व्यक्ति मारता है दूसरे को तो अपने आप कौन सा वर्ड आ जाएगा, किल वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। द प्लाउ है चेंज, हलों में बदलाव आया है, बेरी इन डिजाइन। आप जानते हो कि जैसे पहले हल थे आज भी वही हल है, बस थोड़ा बहुत बदलाव आया हुआ है उनके डिजाइन में, तो अब कौन सा वर्ड आएगा, वेरी मच, बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। अरे भैया जैसे हल पहले थे आज भी उसी शेप में बनते हैं, ऐसे शेप में बनते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज आ चुका है, तो अब लगाएंगे क्या। मैंने पहले हल तो बता देता हूं, बहुत ज्यादा, वेरी लिटिल। वेरी लिटिल का तात्पर्य होता है आ लिटिल से, वेरी लिटिल का आज से क्या होता है, आल्टेंस होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, स्लाइटली। आप जानते हैं ऊपरी तौर से, और रेडिकल यानी मूलभूत रूप से या बेसिक रूप से। आगे बात की जाए वेरी, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, वेरी लिटिल। इन डिजाइन फ्रॉम द टाइम जब से मनुष्य ने क्या की, पैदावार की, कल्टीवेशन, खेती की, आपको पता है एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन किया, तो टेक टू जब से प्रारंभ के, टेक टू कल्टीवेशन यानी प्रारंभ करना, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टेक टू यानी प्रारंभ करना, कल्टीवेशन करना, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। बट लेकिन स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम, लेकिन जो आज तलवार थी, आपको बताऊंगा इतनी बड़ी बड़ी तलवारें आती हैं, स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम, तलवार नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, स्वॉर्ड फिशेस। स्वॉर्ड फिश तो आप जानते हो एक प्रकार की तेगा मछली होती है, और तेगा मछली में जो स्वॉर्ड का साइज रहता है उसी पर उसकी चोंच रहती है, इसलिए स्वॉर्ड पर सही तेगा मछली। तो यहां से तलवार तेगा मछली नहीं बनी है, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। प्लाउशेयर्स, प्लाउशेयर्स यानी आप जानते हो हली बोलेंगे, प्लाउशेयर्स यानी क्या होता है, हली होता है। पेंकनेप्स, पेंकनेप्स यानी होता है जेबी चाबुक, जेबी चाबुक यानी होता है जेब में रखने वाला चाबुक, और ऐसे खोला और अपन ऐसे, वो जेबी चाबुक होता है। और पीदरबिट्स यानी होता है आपका कम वजन का मुक्केबाज, मुक्केबाज होते हैं, रेसलर होते हैं, उसमें जो मुक्केबाज हैं उनके लिए बोला जाता है फीदर बेट, फेदर बेट, क्या बोलते हैं, फेदर बेट। तो आप ध्यान रखें, बट स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम, तलवार नहीं। अब देखो तीनों वर्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तलवार हल तो बनेंगे नहीं, तलवार तेगा मछली तो बनेंगे नहीं, तलवार फीदर बेट्स तो है, पेंक नाइफ्स बोल सकते हो आप, जेबी चाबुक वो भी तलवार के इससे छोटा रूप है, वह ऐसे बोला गया है, हैव नॉट बिकम नहीं बना। एंड द राइफल, और राइफल आप जानते हो पिस्टल होती है, राइफल विद विच किसके लगा है, राइफल के लिए, राइफल जिसके माध्यम से वन मैन एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है, पूरा राइफल आती है और डिस्काउंट हो जाता है, भाई ये आपका एक व्यक्ति दूसरे को मारता है, इज आ, वह राइफल है क्या, वो राइफल आज क्या है देखते हैं, मिरेकल, चमत्कार है। अरे भैया जो चमत्कार थोड़ी ना कि ऊपर से आ गई हो, भगवान ने गिफ्ट कर दी हो या कहीं डली हो, मिरेकल हो, चमत्कार है नहीं। लीगेंड, पैतृक हो, पैतृक संपत्ति से चली आ रही हो, पिताजी ने दी हो, ऐसा भी नहीं है लीगेंड। आगे बात करें मॉडल, एक रूप है गलत, मास्टरपीस या तो एक अद्भुत कृति है। कंप्यूटर, ये जो मास्टरपीस, कंप्यूटर एक अद्भुत कृति है, तो क्या लगा हो गया, मास्टरपीस। इन कंपेरिजन विद, किसकी तुलना में, इन कंपेरिजन विद स्टोन, पत्थर की तुलना में, देखो पत्थर कहां, पत्थर मनुष्य मारने के लिए प्रयोग करता था, और आज वही मनुष्य सीधे क्या, राइफल का प्रयोग कर रहा है, गन का प्रयोग कर रहा है, पिस्टल का प्रयोग कर रहा है मारने के लिए। तो अगर दोनों की कंपेरिजन की जाए तो वास्तव में गन आज मास्टरपीस तो है, अद्भुत खोज तो है, आविष्कार तो है, द स्टोन पत्थर। एंड प्लिंथ ब्लैंक्स, विथ विच यूज टू का मतलब होता है ता, करता था, तीती और ते थे, जैसे कि मैंने कहा ही यूज्ड टू हाइड एंड सीक, वह छुपा छुपाई खेला करता था, तो यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो द स्टोन एंड विथ विच यूज्ड टू, वह प्रयोग करता था हिज एडवर्सरीज अपनी विपत्तियों के समय, इन द अर्लिएस्ट स्टेज, प्रारंभिक चरणों में सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब मनुष्य की बात की जाए तो शुरुआती चरणों में मानव एक आदि मानव था, और वह शिकार के लिए क्वार्टजाइट जो पत्थर थे उनका प्रयोग करता था, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, और उसी के क्या बनाता था, इंप्लीमेंट्स का तात्पर्य औजार बनाता था, और मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, या वो एक पस्सा था, उसको बनाता था, और विश्व क्या करता था, अपनी विपत्तियों की समरक्षा करता था। वही बात तो है विद द स्टोन पत्थर एंड बैटल एक्स, बैटल एक्स यानी कुल्हाड़ी बोल सकते हो, बिल्कुल होगा। स्वॉर्ड, तलवार मलवार से तो मनुष्य परिचित ही नहीं था उस समय, कब, अर्लीएस्ट स्टेज लिखा हुआ है, अर्लीएस्ट स्टेज। आगे
स्पीयर और स्टिक का कोई मतलब नहीं है, ऐसे स्टिक पत्थर ऐसे। तो अब जो बताओ आप विपत्ति आई तो स्टिक का प्रयोग करेगा नहीं ना, स्टोन पत्थर और विथ विच ही यूज्ड टू, वह प्रयोग करता था, एदा स्टोन हो गया और बैटल एक्स हो गया, ठीक है। बैटल एक्स का प्रयोग कब करता था, काटने के लिए, आपको बताया मनुष्य शिकारी था, मानव शुरुआत में शिकारी जीवन देता था, स्लॉटर काटने के लिए, दंड देने के लिए तो करता नहीं था, उनका विस्कार रिपोर्ट शुद्ध करने के लिए या सही करने के लिए करेगा नहीं। बिलेवर, बिलेवर यानी बताया पीटना, पीटने के लिए करता नहीं था कि पीटने के लिए दंड थोड़ी देना उसको, नहीं काटने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, फिर वो खाता था उसको, शिकारी था ना, इसलिए अर्लीस्ट सिविलाइजेशन लिखा हुआ है उसमें। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, अब देखो पूरी पूरी बात किसके ऊपर हो रही है, बॉम्ब के ऊपर, कहीं बम लिखा है क्या, नहीं लिखा। साइंस, हाँ हो सकता है, साइंस हो सकता है। अच्छा रिसर्च, कहीं वैज्ञानिकों का नाम आया है क्या, नहीं आया, दो ऑप्शन गए। अच्छा आपने देखा ये टेक्नोलॉजी है, पूरी बात किसके ऊपर हो रही है, वेपनरी, हथियारों के ऊपर बात हो रही है, ये सारे किसमें आते हैं, हथियार में आते हैं। न्यूक्लियर वेपनरी है डिजाइन, न्यूक्लियर वेपनरी में तो भैया भयंकर बदलाव आया है, डिजाइन है दैट नेचर कैन नेवर, जो प्रकृति कभी भी नहीं, फैब्रिकेट मनगढ़ंत कहानी बनाना, प्रकृति कभी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाती, प्रकृति जनरेट नहीं कर सकती, जी बात भी सही, नेचर कैन नेवर। अब बताओ आप समझ रहे हो, लेकिन जनरेट और देखते हैं फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट तो ये आपका केमिकल वर्ड है, आप केमिस्ट्री का वर्ड है, फॉर्मूला के माध्यम से किसी चीज को तैयार करना। अब बचा जनरेट या एमुलेट, तो प्रकृति कभी भी इनका अनुकरण नहीं करती, तो अनुकरण करने के बोलते हैं एमुलेट। दे आर वंडर्स ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन की क्या है, अद्भुत रूप है, चमत्कार है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, एमुलेट, जनरेट वर्ड नहीं आएगा। प्रयास करते रहे, पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कब आता और कब लगाया नहीं जाता। एक लो टेस्ट का सेकंड सेक्शन है, और इस सेक्शन में द एज इज द एज ऑफ मशीन, एज यानी युग, एज है और मशीन, मशीनों का युग है, यह युग मशीनों का युग है। फ्रॉम द जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति बिगेन, प्रारंभ हुई यूरोप में, मनुष्य का जीवन, मैंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग, बदल रहा है मेनी वेज, कई तरीकों में। एट फर्स्ट शुरुआत में द चेंज, बदलाव था, बोझ वो था, नाउ मशीन, लेकिन आज मशीन हैव बिकम, बन रही है ऑफ अवर डेली लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा, वैसे ही पता पड़ जाएगा। द एज, आज का एज कैसा है, मॉडर्न एज है, आज का युग आधुनिक युग है, लाइन बोली जाती है, तो मॉडर्न एज द एज ऑफ मशीन, जी तो आप वैसे ही बता दोगे। फ्रॉम द बर्थ, जन्म से, समय से, शुरुआत से, स्टार्ट से, बिगिनिंग और स्टार्ट, एक जैसे वर्ड है, बर्थ है, अब पता पड़ेगा क्या आएगा। फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब से प्रारंभ हुई, तो फ्रॉम दैट टाइम, जब से, तो समय की बात की रही, जब जिस समय से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिस समय से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, तो फ्रॉम द टाइम, पता है ना, यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी सबसे पहले, तो जब जिस समय से शुरुआत से प्रारंभ हुई, बर्थ की शुरुआत से जन्म हुआ होगा उसका, बिगिनिंग स्टार्टिंग, जिस समय से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई यूरोप में, मनुष्य का जीवन बदल गया है कई तरीकों में, इन मैनी वेज, ये तो वैसे जनरल साइड मैनी वेज। एट फर्स्ट शुरुआत में आपको पता है साइंस से संबंधित जो भी चेंज थे, मशीन संबंधित चेंज थे, वो क्या थे, कम थे, तो चेंज बहुत स्लो, धीरे धीरे थे। नाउ मशीन से बिकम, लेकिन आज मशीन बन गई हैं, क्या बन गई हैं, अवर डेली लाइफ, हमारे जीवन का क्या बन गई है, पार्ट बन गई है, तो क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा, कंपोनेंट नहीं लगाते थे तो हजार हजार के लिए कंपोनेंट, उपकरण के लिए लग जाता है, आवश्यक नहीं, सपोर्ट नहीं, जो तो वैसे ही बोलते हैं कि साइंस इज द पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, विज्ञान हमारे, तो साइंस के ऊपर ही तो पूरा पैसेज है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आज आपके कितने हो गए, दो हो गए, एक CHSL का हो गया आपका, CHSL में इसी टाइप के आते हैं, और SSC स्टेनोग्राफ का संबंधन मैंने पहले करा दिया, ऐसे ही आपके अब दो दो तीन तीन चार चार ऐसे स्टार्ट होते रहेंगे एक वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद मित्रों।